चमोली में लगातार रुक रुक कर बारिश जारी है। बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब में भी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ है। लैंडस्लाइड से कई जगह पर सड़कें बंद हो गई हैं। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब में भी बारिश जारी है। तो लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। चमोली में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे यहां पर जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर आफत पैदा हो गई है। ज्योतिर्मठ के पंगनो गांव में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन जारी है। गांव के ऊपर हो रहे भूस्खलन की वजह से लोगों के घरों का ये भूस्खलन बर्बाद कर रहा है। 60 से ज्यादा परिवार प्रभावित हो चुके हैं। तो वहीं गांव के कुछ लोगों में अभी भी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन राहत बचाव कार्य में हो रही देरी लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। चलो ऊपर दिखाते हैं आप, ऊपर के हाल। चलिए सीधा रुख करते हैं। नितिन सेमवाल हमारे साथ चमोली से लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट भी किया जा रहा है, लगातार रुक रुक कर बारिश जारी है, अभी मौजूदा क्या हालात हैं, कैसा है मौसम चमोली में और क्या कहता है प्रशासन? जी, अगर चमोली में मौसम की बात करें तो पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। कल भी दिन भर चमोली जनपद में रुक रुक कर बारिश हुई थी। रात को भी कुछ कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर देखा जाए तो अभी चमोली का पगनाव गाँव है, जहाँ पर लगातार गाँव के ऊपर से जो मलबा पत्थर है वो आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों के लगभग 60 परिवार ऐसे हैं जो प्रभावित हैं और उनकी समस्याएं जो है वो लगातार बनी हुई है। लोगों में नाराजगी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि राहत और बचाव कार्य में जो देरी हो रही है उससे कहीं ना कहीं प्रशासन पर एक नाराजगी भी दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन का भी कहना है कि वहां पे राहत सामग्री हो या जो वहां पे कच्चे घर बनाए जाने हैं, जो वैकल्पिक काम किए जाने हैं, उसमें देरी इसलिए भी हो रही है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं बारिश ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ाई है, साथ में प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ाई हैं। इसके अलावा कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा लैंडस्लाइड हो गया था। वहाँ पे भी सड़क मार्ग अभी भी बाधित चल रहा है। लगभग 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक मार्ग सुचारू नहीं हो पाया है। एक दर्जन से अधिक जो ग्रामीण इलाके हैं उनका संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ये मानसून अब लौटता हुआ जो मानसून है वो पहाड़ों में जमकर बरस रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलें भी जरूर पैदा हो रही हैं। नदी नाले भी अचानक उफान पर बहने लगे हैं। हालांकि आज एक राहत बड़ी खबर यह है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बारिश के बावजूद भी सुचारू है। अभी बताया जा रहा है कि कहीं पर भी मलबा नहीं गिरा है, लेकिन अगर ऐसी बारिश होती रही तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के भी बाधित होने की संभावना है। फिलहाल अगर मौसम की बात करें तो आज भी पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है और अभी भी पहाड़ों में बारिश का दौर जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर चमोली के मलारी से, जहां पर मलारी हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। लापा के पास भारी भूस्खलन हुआ। गनीमत ये रही कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस समय हाईवे पर कोई मौजूद नहीं था। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पहाड़ का आधा हिस्सा टूट कर सड़क पर आ गया है। हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है, लेकिन अभी रोड को खोलने के लिए समय लग सकता है। आपको बता दें कि बारिश से बार बार पहाड़ी से मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से कई जगह पर हाईवे बंद हो रहा है, लेकिन मौके पर मौजूद प्रशासन की टीम सड़कों को खोल रही है। बागेश्वर के कपकोट में भारी बारिश से मुसीबत बनी हुई है। यहाँ पर कपकोट कर्मी सड़क पर गासी के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरे हैं, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पहाड़ी से कैसे बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं। इस दौरान कई यात्री बाल बाल बचे हैं। सड़क बंद होने से कई लोग फंसे हुए हैं। वहीं प्रशासन की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से बार बार मलबा और पत्थर सड़क पर आ रहा है।
केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच लगातार हाईवे पर बोल्डर गिरने का सिलसिला जारी है। केदार घाटी में कल देर रात से लगातार हो रही बारिश और इसकी वजह से बोल्डर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सोनप्रयाग में सड़क बंद हो गई है, लेकिन अब सड़क को खोल दिया गया। एनडीआरएफ की टीम श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। बागेश्वर के नामती चेता बगड़ में रहने वाले खौफ में रहने को मजबूर हैं, जहां पर गुंठी गधेरे में हो रहे भूस्खलन की वजह से हालात काफी खराब हो गए हैं। बरसाती नाले के उफान पर आने से भूस्खलन हो रहा है, कई घरों को खतरा है। प्रशासन का कहना है कि गांव का सर्वे कराया गया है, प्रशासन की टीम कड़ी नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि नामती चेता बगड़ पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का गाँव है। को भेजा था, उसमें हमारे सभी लोग वहाँ गए थे और जांच में ये पाया गया कि वो जो स्लाइड हो रहा है वो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, लेकिन उसके आसपास कोई ऐसे घर नहीं है जिनसे घरों को खतरा हो, लोग भी सुरक्षित हैं और हम लोग उस पर कड़ी नज़र बनाए रखे हैं। अगर किसी भी प्रकार का ऐसा खतरा हुआ तो लोगों को इवैक्यूएट करा दिया जाएगा। निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव करीब करीब एक साथ होंगे। बीजेपी दोनों मोर्चों पर जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस का दावा है कि बद्रीनाथ और मंगलौर की पिटाई से बीजेपी घबराई हुई है। देखिए, दस नवंबर के बाद बीजेपी को दो बड़े मोर्चों पर चुनाव लड़ना है, एक केदारनाथ जहां अभी से पांच मंत्री लाए गए हैं, तो दूसरा निकायों में जहाँ 25 दिसम्बर से पहले चुनाव करवाने का दावा सरकार हाईकोर्ट में कर चुकी है। एक तरफ अयोध्या और बद्रीनाथ की हार के बाद बीजेपी को किसी भी सूरत में केदारनाथ जीतना है, क्योंकि यहां पार्टी की साख दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री का नाम जुड़ने से ये चुनौती और बड़ी हो जाती है। वहीं गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ को छोड़कर 99 छोटे बड़े शहरों में चुनाव होने हैं, जहां निगम पालिका और पंचायत में बीजेपी का होल्ड रहा है, लेकिन 6 साल बाद भी फिर वापसी अपने आप में चुनौती है। बीजेपी को यकीन है कि दोनों मोर्चों पर जीत मिलेगी, तो कांग्रेस बीजेपी को हार और बद्रीनाथ मंगलौर की पिटाई याद दिला रहा है। बहुत जल्द अपने प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव कराने वाले हैं, बहुत जल्द कराएंगे। निकाय जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से परचम पहले लहराया था, उसी प्रकार का परचम इन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का लहराएगा। भगवान करे कि तब तक चुनाव करवाने की इनको हिम्मत आ जाए, क्योंकि भाजपा घबराई हुई है, डरी हुई है। बद्रीनाथ जी और मंगलौर में जो पिटाई हुई है जनता के हाथों, उससे भाजपा घबराई हुई है। मोर्चे डबल है तो चुनौती डबल है। बीजेपी को निकाय हो या केदारनाथ, दोनों चुनाव जीतकर अपनी साख बचानी है, क्योंकि बद्रीनाथ की हार के बाद बीजेपी किसी हार को झेलने की पोजीशन में नहीं है। उत्तरकाशी से बलबीर के साथ दीपांकर भट्ट, News18 देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत पौड़ी पहुंचे, जहां पर तीरथ ने कहा कि भू कानून और मूल निवास के लिए प्रदेश के लोग जो मांग उठा रहे हैं वो बिल्कुल जायज है और लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। साथ ही तीरथ सिंह रावत ने कहा कि लोग अपना गांव, अपनी जमीन ना छोड़े और अपनी जमीन बाहरी लोगों को ना बेचे। जल, जंगल, पानी, ये अन्यत्र बाहर के लोग अंकुश लगे और गलत हाथों में न जाए और उससे हम लोग अपनी जीवन को बचाए, ऐसा आना। केदारनाथ में कांग्रेस के प्रभारी क्या बीजेपी के 5 मंत्रियों पर भारी पड़ेंगे, ये सवाल खुद बद्रीनाथ विधायक के दावे से उठा है, जिन्होंने दौरे के बाद केदारनाथ में बीजेपी की जमानत जब्त होने का दावा किया है। देखिए, कांग्रेस ने अभी घोषणा तो नहीं की, लेकिन खबर है कि बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला को पार्टी केदारनाथ में प्रभारी बनाएगी। केदारनाथ से दौरा करके लौटे लखपत बुटोला की माने तो बीजेपी के 5 मंत्री भारी नहीं पड़ने वाले। दावे के पीछे की वजह लखपत बुटोला बद्रीनाथ का अनुभव बताते हैं, जहां सतपाल महाराज को छोड़कर 6 मंत्री दिन रात लगे रहे, लेकिन नतीजा 0 रहा। ऐसे में केदारनाथ में बीजेपी के 5 मंत्रियों को बद्रीनाथ के विधायक ही चुनौती दे रहे हैं। बद्रीनाथ के अंदर भी लगाए थे, केवल सतपाल महाराज जी को छोड़ दे तो बाकी सारे प्रभारी थे,
और राधिन बद्रीनाथ के अंदर भी लगे थे। लोकतंत्र में जनता की बड़ी ताकत होती है और मैं आज कह रहा हूं कि जो इन्होंने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया, विशेषकर केदारनाथ के अंदर जो हमारा सनातन संस्कृत का जो सबसे पुराना देवता का केदारखंड की जो भूमि भगवान शंकर का निवास स्थान है उसको ये दिल्ली जो शिफ्ट करने का ड्रामा कर रहे थे, उसका जवाब वहां की जनता दे कि भाजपा वहां पे जमानत नहीं बचाएगी, क्योंकि मुझे लगता है पार्टी मुझे वहां पे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और मैं वहां पे होके भी आया हूं, लोगों के बीच होके आया हूं। मैं आपको व्हाट्सएप बिल्कुल जनता की बात कर। केदारनाथ सीट जीतने के लिए बीजेपी ने 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें जिले की प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल शामिल है। पर बद्रीनाथ भी प्रचार कर चुके धन सिंह रावत को बद्रीनाथ विधायक के दावे पर यकीन नहीं है। देखिए, बद्रीनाथ की परिस्थितियां अलग थी और केदारनाथ के अलग है। मैं ये कह सकता हूं कि केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है और हम वहां का चुनाव बहुत अच्छे ढंग से चुनाव जीतेंगे। सरकार ने जो काम किए हैं लोग उनका मैंडेट देना चाहते हैं। बद्रीनाथ की परिस्थितियां हम सबको पता है, लेकिन केदारनाथ में हम अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। केदारनाथ में झोंकने के लिए कांग्रेस के पास गिने चुने नेता है तो बीजेपी के पास मंत्रियों से लेकर प्रभारियों की फौज है। पर बद्रीनाथ में बीजेपी के मंत्रियों को मात दे चुके गढ़वाल में कांग्रेस के अकेले विधायक अभी से केदारनाथ में चुनौती दे रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और अगली खबर चंपावत के बनबसा से, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के चेकिंग के दौरान 2 तस्कर अरेस्ट हुए हैं। एक के पास 7.65 एमएम के 40 कारतूस बरामद हुए हैं। एसएसबी ने दोनों तस्करों को बनबसा थाने की पुलिस के हवाले कर दिया है। एसएसबी के हवाले से बताया गया कि सतीश नैनवाल के पास 40 कारतूस बरामद हुए। वहीं कारतूस मामले में आरोपी सतीश नैनवाल के भाई प्रमोद नैनवाल ने कहा कि मैं कारतूस लेकर नहीं जा रहा, मेरा भाई अलग है, उसका परिवार अलग है। मेरा भाई उसका परिवार अलग है, उसका घर अलग है, वो मेरे से अलग रहता है। क्योंकि उसको टारगेट इसलिए इतनी छोटी सी गलती के लिए, गलती हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलती हुई है, उससे छोटी सी गलती हुई है, क्योंकि रशीद जो जल्दीबाजी में निकाल देती थी कॉटेज घर निकाल देती थी, वो कानून तो कानून के हिसाब से उसे पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें जो विधि मैं कह रहा हूँ भूल हो गई, उससे भूल से अपनी कॉटेज निकालना भूल गया, जो लाइसेंस ही है। वही मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूरे मामले में कानून अपना काम करेगा। गलती से उनका लाइसेंस ही रिवॉल्वर तो अपने घर में है, लाइसेंस भी उनके पास है, लेकिन उस बैग में कुछ कारतूस उनके गलती से रह गए और उसका संज्ञान, क्योंकि जब नेपाल सरकार ने खरीद के कागज मंगा दिए उनको पहुँचा दिए गए हैं, उसके साथ साथ उनका रिवॉल्वर का लाइसेंस मांगा गया था ओरिजिनल, पहले फोटो व्हाट्सएप भेजा तो व्हाट्सएप नहीं माना उनको, ऑनलाइन भेजा उसको पहुंचा दिया गया। ठीक है, एक विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया के बाद ही इस संदर्भ में कुछ कहा जा सके। प्रमोद नैनवाल और सतीश नैनवाल का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है और जो बीजेपी उनके भाई को सही बता रखी है उसी बीजेपी की दोनों किरकिरी करवा चुके हैं। देखिए, विधायक जी के जो भाई हैं वो अपने कारोबार के संबंध में, यानी मजदूरों को लेने के लिए नेपाल गए थे, तो उनके पास खुद स्वयं की अपनी जो भी सरकार से प्रदत्त जो लाइसेंस अभी गन है वो है, तो उसके वो कारतूस, उनका कहना है कि भाई मेरे से मेरी गन छूट गई थी लेकिन मेरे कारतूस बैग में पड़े हुए थे और इस वजह से जो है कि ये कारतूस मेरे पास आए हैं। मेरा ना कोई ऐसा उद्देश्य था, ना ये कोई आगे का उद्देश्य, और उसके पूरे कागजात भी उन्होंने प्रशासन को दिखा दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने वही बात कही जो 40 कारतूस ले जाने वाले मुख्य आरोपी सतीश नैनवाल के विधायक भाई प्रमोद नैनवाल ने कही थी। बॉर्डर पर एडवांस मशीनें ना होती तो 40 जिंदा कारतूस के साथ सतीश नैनवाल नेपाल पहुंच चुका होता। गिरफ्तार सतीश नैनवाल के खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं है। उद्यान घोटाले में हाईकोर्ट ने जब सीबीआई जांच का आदेश दिया उस आदेश में भी सतीश नैनवाल का नाम है। हालांकि अब तक सीबीआई ने सतीश नैनवाल से पूछताछ नहीं की है तो आदेश में साफ लिखा है कि ये विधायक प्रमोद नैनवाल का भाई है। वहीं भतरौज खान थाने में मारपीट के मामले में भी एक ऑडियो चर्चाओं में रहा, जिसके बाद पार्टी ने कैलाश पंत और प्रमोद नैनवाल को तलब किया था।
इसी विवाद के दौरान मंत्री पद को लेकर 30 लाख रुपए देने वाला ऑडियो भी चर्चाओं में रहा। वहीं बेताल घाट की एक महिला ने भी जमीन से जुड़े मामले में डराने धमकाने का आरोप लगाया था, जिसे विधायक प्रमोद नैनवाल ने षड्यंत्र बताया था। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस हमलावर है, क्योंकि जिंदा कारतूस पकड़े गए हैं। आज प्रमोद नैनवाल जो विधायक हैं, उनके छोटे भाई सतीश नैनवाल नेपाल सीमा पर अवैध गोलियों के साथ पकड़े गए हैं। 57 बटालियन सशस्त्र सीमा बल ने उनको 7.65 ml कारतूसों के साथ पकड़ा है, जो जिसकी संख्या लगभग 40 बताई गई है, लेकिन सरकार और प्रशासन अब उनको बचाने की कवायद कर रहा है। राजनीति अपनी जगह है और सच्चाई अपनी जगह, पर यह भी सच है कि वजह जो भी हो, अलग अलग मामलों में किरकिरी बीजेपी की ही हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। राजधानी देहरादून के नामी बोर्डिंग स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र के साथ हुई रैगिंग और शोषण मामले में पुलिस ने पीड़ित के बयान ऑनलाइन दर्ज किए हैं। वहीं अब पुलिस छात्रों के साथ स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ करने जा रही है। एसएसपी देहरादून का कहना है कि पीड़ित के बयानों के बाद पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर अब जांच टीम जल्द ही उन छात्रों के बयान दर्ज करेगी। साथ ही मामले में पीड़ित परिवार को भी पुलिस ने देहरादून आने के लिए कहा है। वीडियो माध्यम से दर्ज कर लिया है। स्कूल में भी जिस छात्रों के बारे में ऐसा कुछ बात बताया गया है, उस संबंध में भी हमने जो आईओ हमारी है लेडी ऑफिसर है, उनको बताया है कि वो बच्चों के ध्यान रखते हुए और अपने स्तर से उसमें वहां पर जानकारी करें, और एक बार जब पेरेंट्स और विक्टिम यहां पर आ जाते हैं तो उनसे प्राथमिक पूरी पूछताछ करके और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनेगी वो तत्काल इसमें की जाएगी। कुमाऊं के तराई के इलाके में एक बार फिर से वन कर्मियों और तस्करों के बीच जानलेवा मुठभेड़ हुई, लेकिन इन मुठभेड़ की वजह क्या है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। जंगल के भीतर फॉरेस्ट कर्मचारियों और लकड़ी तस्करों के बीच लाइव एनकाउंटर की ऐसी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। कुमाऊं के तराई में मौजूद इन बेशकीमती जंगलों को बचाते हुए फॉरेस्ट के 4 कर्मचारी लकड़ी तस्करों की गोलियों का निशाना बन गए, लेकिन गनीमत ये रही कि इनकी जान बच गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं आखिर तराई के इस जंगल में आए दिन क्यों होती हैं? पिछले एक साल के भीतर तराई सेंट्रल और पश्चिमी डिवीजन में तस्करों और फॉरेस्ट टीम के बीच ये छठा खूनी संघर्ष है, और इसकी वजह भी खुद वनकर्मी बता रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जंगल है, इसमें खासतौर से सीसम है, खैर है, सागौन है, इस तरह का जो कमर्शियल टिम्बर है ये हमारा महत्वपूर्ण विद्यमान है। इसके अलावा टाइगर है, गुलदार है, ये सब चीजें भी है जिनको टारगेट करके जो पोचर हैं वो वन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। दूसरी तरफ आए दिन हो रही लकड़ी तस्करी और वन्य जीवों का शिकार रोकने के लिए हो रहे लाइव एनकाउंटर्स के बाद वन महकमा अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है, ताकि तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा जा सके और मुठभेड़ होने की स्थिति में तस्करों को मार भगाने से रोका जा सके। पिछले एक हफ्ते में 2-3 ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं, तो उसके रिस्पांस में हम लोगों ने स्टाफ को यह निर्देशित किया है कि आप लोग कहीं पर भी जाएं तो एक बड़ा ग्रुप बना के उसमें गश्त करें, आइसोलेटेड 1-2 इंडिविजुअल्स उसमें ना जाएं, बढ़िया टीम बना के उसमें जाएं और उसके बाद वो उसमें अपनी कार्रवाई करें। जहाँ तक अस्त्रों की बात है तो हमारे पास अभी तो रेंज में सफिशेंट नंबर में है, बट अब हम लोग ने थोड़ी मैपिंग करके जो सेंसिटिव रेंजेस हैं उसमें संख्या बढ़ाने का हम लोग प्रयास करें। जाहिर है पहले भाखड़ा, फिर कोसी, फिर रामनगर और अब पीपल पड़ाव रेंज में हुई मुठभेड़े बता रही हैं कि वन तस्कर शांत नहीं है। इनकी काली नजर तराई की बेशकीमती खैर, शीशम, सागौन जैसी लकड़ी पर तो है ही, साथ ही टाइगर और हाथी जैसे खूबसूरत जंगली जानवर भी उनके निशाने पर है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। ऋषिकेश से अगली खबर, यहाँ पर बिहार का कुख्यात आरोपी पौड़ी में गिरफ्तार हुआ है।
आरोपी रंजीत चौधरी को एसटीएफ ने अरेस्ट किया है। आरोपी रंजीत पर 11 हत्याओं का आरोप है। इसके साथ ही हत्या, लूट, रंगदारी के मुकदमे भी दर्ज हैं। पौड़ी के लक्ष्मण थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी हुई है। बिहार पुलिस के साथ उत्तराखंड पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। चारधाम यात्रा ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली है और कल 10,000 श्रद्धालु चारधाम पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। अभी तक 33,78,000 श्रद्धालुओं ने चारधाम में दर्शन किए हैं। तो अब लगातार चारधाम यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा जैसे ही बारिश रुकी है तो ऐसे में पर्यटकों का आना जाना और साथ ही तीर्थयात्रियों का आना जाना बढ़ गया है। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन आप भी करा सकते हैं और उसके बाद चारधाम यात्रा की ओर जा सकते हैं। चमोली के सिमली में कल सिद्धपीठ राजराजेश्वरी चंडिका अपने गर्भगृह से बाहर आई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त शुभ अवसर के साक्षी बने। अब मां की डोली 10 महीने पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेगी और लोग मां के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेंगे। 14 साल बाद मां चंडिका अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए गर्भगृह से बाहर आई है। के बाद 2024 में यात्रा के लिए बाहर प्रस्थान करेगी। आज माँ भगवती अपने गर्भगृह से बाहर यात्रा के लिए बाहर स्थान पर आएगी। 4 दिन भगवती माँ भगवती यहाँ पे विराजमान रहेगी।